हरियाणा पुलिस प्रदेश में जन सुविधा के लिए शुरू की गई डायल 112 पर आधी रात को आई फोन कॉल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। सूचना देने वाला अपने आप को पीड़ित बताते हुए दो राहगीरों पर बंदूक के बल पर 1,70,000 रुपए की लूट की सूचना दी। फोनकर्ता ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया कि जब वो चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग चंदाना रोड टी पॉइंट पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। फोन कॉल आते ही कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह और साथ ही CIA 1 और CIA 2 समेत तमाम पुलिस अमला घटना स्थल पर पहुंचा। इसके साथ ही घटना की सूचना के बारे में सीमांत राज्य पंजाब के साथ साथ अन्य इलाकों में भी तैनात पुलिस के जवानों को चौकस किया गया ताकि अपराधी बचकर ना निकल पाए, और कुछ ही इलाके में संपूर्ण इलाके को जिला पुलिस कप्तान मकसूद अहमद के निर्देश पर सील कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी लेकिन वो आरोपी नहीं निकले। यहाँ पर पूरी कहानी ही पलट गई। फोन पर सूचना देने वाले युवक से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वाहन साइड करने को लेकर मामूली सा विवाद हो गया, जिसे वो बड़ी घटना की सूचना देकर पुलिस को चौंका दिया। सर जो कंप्लेंट की है उन्होंने मौके पर मौजूद जहां से हुई है वहीं से कंप्लेंट किया है घर आके या कहीं और से? वो घटना के बाद घर चला गया, खाना खाया है, उसके भी घर पहुंच के उसने डायल 112 कॉल किया है, डायल 112 किया है, जिसमें जब पुलिस वहां पहुंची घर पे उसके, तब वो मौका पे लेके आए, उससे पूछताछ की तो वो उसकी बातों से ही सस्पेक्टेड लग रहा था भी कुछ इसमें मिलावट कर रहा है, और जब उससे सच्चाई मिली उसने बताया कि अभी मेरे यहाँ सिर्फ साइड लगी थी और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें एक मोटरसाइकिल का नंबर आ गया था जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था, कहा सुनी हुई थी, और जब उस मोटरसाइकिल के नंबर का हमने एड्रेस निकाला तो हम उन लोगों तक पहुंच गए जिनके साथ उसकी कहा सुनी हुई थी। एक्चुअली ये मामला सिर्फ रोड साइड पे साइड लगने से एक मामूली एक्सीडेंट भी कह सकते हैं और एक कहासुनी में बदल गया था वो, जिसने उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस को झूठी शिकायत करी कि भी मेरे साथ लूट हो गई है। तो पुलिस को ऐसी झूठी शिकायत करने वाले के से पुलिस प्रशासन की ओर से क्या अपील रहेगी? मैं यही अपील करता हूँ भाई, अगर कोई झूठी शिकायत करेगा कोई भी कंप्लेन उसके खिलाफ हम 182 की कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ हमने 182 का कलंदरा पेश किया है जिसने झूठी शिकायत की थी। तो भविष्य में ऐसा ना करे तो उसकी आपके क्या? कोई भी करेगा तो झूठी शिकायत देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में DSP सज्जन सिंह ने बताया कि पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोप में कैलराम निवासी चांदी राम के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की गई है। चांदी ने पुलिस को मिथ्या सूचना दी है। भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार 6 माह का कारावास या 1,000 रुपए के अर्थ दंड लगाया जा सकता है। वही DSP ने लोगों से अपील किया है कि वो झूठ की बजाय सही सूचना पुलिस को दे। कैथल से जयपाल रसूलपुर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।